हे फ्रेंड्स, तो जिस फिल्म का मुझे इंतज़ार नहीं था उसका ऑफिशियली ट्रेलर निकल कर आ गया है। इनफैक्ट इसका टीज़र भी आया था अनाउंसमेंट का, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि मैंने वो नहीं देखा था। इसलिए अब सीधे देखते हैं इसका ट्रेलर। फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार, ये टाइटल है। बाकी लव रंजन का प्रोजेक्ट है जिनकी कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप भी बनी जाती है या फिर बनती है। खैर छोड़ो, उस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ट्रेलर देख लेते हैं। सॉरी, उसके बात करते हैं बाकी की बातचीत जो ट्रेलर। आजकल रिलेशनशिप में घुसना आसान है, उसमें से निकलना मुश्किल। रिश्ता जोड़ना आसान है, तोड़ना मुश्किल। इसलिए झूठ बोल के पकड़वाना नहीं है, बल्कि झूठ बोल के सच में छुपाना है, फिर दो और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना है। वो लड़की है, बाकी वो खुद कर लेगी, तुझे बस हल्का सा शक कराना है। एक मक्कार प्रेमी। ये तो फुल लाइन मार रही है मुझ पे। क्या बोली? हाय। हाय बोलना लाइन मारना होता। वो हाय नहीं। कौन है? हाय वाला हाय था। प्यार करना है, टाइम पास करना है। टाइम पास भी ऐसी किसी के भी साथ तो नहीं कर सकती ना, उसके भी लाइक कोई मिलना चाहिए ना। यू मीन मेरे जैसा कोई काबिल, हैंडसम, गुड लुकिंग, रिच, फिट, विराइल, पोलाइट, लवेबल, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, रोमांटिक, प्यारा। प्यारा और लवेबल सेम होता है। मैं खुद ज्यादा लाउड है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। गाने अच्छे, रोम कॉम, जॉनर अच्छा है, बस डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन पर। गाड़ी खराब हो गई और होटल में सिर्फ एक कमरा है तो मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा। तू बिस्तर पे सो जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। दारू पिला के तेरा फायदा भी नहीं उठाऊंगी। आई नो तू डर रहा है, बट ट्रस्ट मी, मैं हूं ना। आज की जनरेशन के हिसाब से रोम कॉम ऐसे ही होता है। तेरी सुबह, तेरी दोपहर, तेरी शाम। पक्का भागेगा तो नहीं? मम्मी कसम, जाएगी तो तू ही छोड़ के जाएगी। अभी तक कहानी के बारे में कुछ पता नहीं। आजकल रिलेशनशिप में घुसना आसान है, उसमें से निकलना मुश्किल। रिश्ता जोड़ना आसान है, तोड़ना मुश्किल। दिस होली कुंडलियां मिलवानी थी। अभी जल्दी क्या है, बुरा बन के ब्रेकअप तो कोई भी कर सकता है। खूबसूरत ब्रेकअप वो होता है जिसमें सामने वाले को, उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को, वो कौन है मुझे नहीं पता, तो प्लीज तो बहुत प्यार पूछना भी। हमारे लड़के में ही खोट है। रोक तो ले भाई, क्या कर रहा है, एक बार तो रोक। मुझे उद्देश्य नहीं दिख रहा यार तेरी जिंदगी का, अब क्या करेगा जी के। भैंस की आंख, हमें सच्चा प्यार हो गया और ये मजे ले रहे हैं। छोटी कहीं की हमारे से चोर से चोरी, मकार से मकारी। नहीं करती प्यार तो बोले ना, नहीं करती, ये क्या घटिया तरीका है। अच्छा, टाइटल के अकॉर्डिंग उसको छोड़ना है लेकिन बुरा भी नहीं बनना। अब इसे मैं बताऊंगा कि किसी मासूम के दिल से खेलने का नतीजा क्या होता है। इसे खेलना है ना, खेलते हैं। फर्जी कैफे। कोई कदर ही नहीं रह गई दुनिया में प्यार की। मेरा तो दिल कर रहा है कूद के मर जाऊं। इतने फ्रिवलेस हो चुके लोग। छी, 8 मार्च तो ट्रेलर खत्म। तो ट्रेलर खत्म हो गया और वो कहते हैं ना कि अच्छी बात ये है कि 3 मिनट 25 सेकंड की ट्रेलर में स्टोरी नहीं बताई गई, बस इसी पर फोकस किया गया है कि दो कपल्स प्यार को लेकर के, वही फेक रिलेशनशिप, उसके बाद शादी का हो जाना, मतलब कंफर्म हो जाना, उसके बाद फिर उनकी तरफ से ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में कौन फंस रहा है, कौन निकलना चाहता है, यही सब कुछ अभी के लिए तो ट्रेलर में नज़र आ रहा है। लेकिन खुलकर स्टोरी का एग्जैक्ट प्लॉट क्या है वो नहीं बताया गया, जो कि बहुत नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक जाती है। और कंटेंट इस जॉनर के मतलब चलते भी है, यूथ और कपल्स तो है ही इस तरीके की फिल्म देखने के लिए, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, जो कि इसके ट्रेलर से भी फ़िलहाल तो लग रहा है। बाकी जिन्हें मिर्ची लगती है लगने, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और इसके अलावा परफॉर्मेंस के बारे में अभी कुछ भी जज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेलर में ही पूरी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं जाएगी ना, लेकिन फिर भी प्रॉमिसिंग है, बनती है। आपकी राय जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि रिएक्शन में इतना ही बाकी। मैं हूँ अजीज़, मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलूंगा अगली वीडियो में, भूलना मत। टिल देन बाय।